तो दोस्तों, जहां हमारे सनी पाजी को 2023 में अवार्ड्स की छड़ी लग गई थी, वो अवार्ड्स की छड़ी अभी भी लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, वो अवार्ड्स की छड़ी अभी भी रुकी नहीं है। और एक्चुअली के अंदर रिसेंटली उन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया है, जिस अवार्ड का नाम सुनते ही और जिसको लेकर उन्हें नॉमिनेशन मिला था और नॉमिनी थे वो, और जब उनका कंफर्मेशन हुआ तो उनकी आंख में आंसू आ गए। यानी कि जब उनके अवार्ड की घोषणा हुई तो वो थोड़े से सीरियस हो गए और थोड़े से इमोशनल हो गए। जी हाँ दोस्तों, फाइनली वो अवार्ड कौन सा है वो आप लोगों को स्टूडियो में बताने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे और धमाकेदार कुछ चीजें खुलने वाली है हमारे सनी बाजी को लेकर, जिसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि स्किप कर दोगे तो अवार्ड की जानकारी भी रह जाएगी अधूरी और जो बातें हैं हमारे सनी बाजी से रिलेटेड वो भी कहीं ना कहीं छूट जाएगी। दोस्तों आप लोग जानते हैं, गदर 2 की सक्सेस के बाद से सनी देओल को बॉलीवुड इंडस्ट्री सलाम करने लगी है। और जो ये सलाम करने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये एक्चुअली के अंदर गदर 2 के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। क्योंकि ना गदर 2 सक्सेसफुल होती, ना सनी देओल को कोई इतना पूछता कि आज इंडस्ट्री में तमाम उनके हाथों में इतने अवार्ड जा रहे हैं, चाहे वो आईफा अवार्ड हो या फिर वो फिल्म फेयर अवार्ड हो, या फिर अगर हम बात करें सीएनबीसी TV18 का जो अवार्ड दिया गया था आईपीएल लेगा 2023 में वो हो, या फिर हम बात करें रिसेंटली जो 2024 में अभी उनको एक नए अवार्ड से नवाजा गया, उसकी वो एक्चुअली में कौन सा अवार्ड है तो मैं बता देता हूँ। NDTV इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड था, जिसमें इन्हें एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर यानी कि एंटरटेनमेंट ऑफ द ईयर हीरो के अवार्ड से नवाजा गया। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सबसे ज्यादा एंटरटेन कराया, और वो अवार्ड सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाया मेरे सन्नी पाजी के, ना ही शाहरुख खान के हाथ लगा, ना ही रणवीर कपूर के हाथ लगा, ना ही बॉबी देओल के हाथ लगा। जबकि आप लोग जानते हैं कि 2023 के अंदर बहुत सारी मूवीज आई थी, जिसमें पठान सबसे पहले आई थी जनवरी में, जिसके बाद हमारे सन्नी पाजी की गदर 2 आई, फिर चाहे हम बात करें दोबारा से हमारे शाहरुख खान की जवान की, या फिर बात करें एनिमल की, या अक्षय कुमार की OMG 2 की, या फिर शाहरुख खान की ही जो तीसरी मूवी आई थी, सबसे बड़ी मूवी डंकी थी उसकी। बट यहाँ पे इन अवार्डों से वंचित कर दिया गया इन सबको, और यहाँ पे सबसे बेस्ट एंटरटेनिंग अवार्ड जो दिया गया वो हमारे सनी पाजी को दिया गया है। क्योंकि उन्होंने जो अपने एंटरटेनमेंट से जान डाली पूरी इंडस्ट्री में, वो हर कोई जानता ही है इंडस्ट्री का हाल क्या चल रहा था, लगातार किस तरह से फिल्मों को रिस्पॉन्स मिल रहा था, लोग कितना ज्यादा लोगों पिक्चर देखने जा रहे थे, ये आप सब जानते ही हैं। बॉलीवुड पूरी तरीके से एक तरह फिनिशिंग की तरफ जा रहा था, क्योंकि टॉलीवुड का एक तो कब्जा बढ़ता जा रहा था, साउथ की मूवीज जबरदस्त तरीके से काम कर रही थी, चाहे वो यश की मूवी हो, KGF हो, चाहे वो RRR हो, चाहे वो बाहुबली हो, या और भी तमाम मूवीज लियो की हो, कोई भी मूवी जो भी आ रही थी वो लगातार तरीके से बॉलीवुड पे काबिज होती नजर आ रही थी। बट उसके बाद फिर धीरे धीरे पठान आई, फिर हमारी गदर 2 आई, जो कि एक प्रॉपरली पूरी तरीके से देखा जाए तो देसी टाइप में मूवी जिसे कह सकते हैं हम उसके ऊपर, क्योंकि गदर एक टाइम में जब आई थी उसने बहुत तहलका मचाया था, बहुत धमाका करा था। और जब गदर 2 आई और इतने साल ले लिया उसने, 22 से 23 साल का एक समय लंबा ले लिया, उसके बावजूद इस पिक्चर ने बहुत अच्छा कलेक्शन करके दिखाया, यहां तक कि ये साबित कर दिया कि मूवी एक बहुत बड़ी मूवी है। बट दोस्तों यहाँ पे एक चीज सबसे बड़ी देखने वाली ये थी कि सनी देओल को खुद को आइडिया नहीं था कि वो जिस मूवी को लेकर इतने ज्यादा चिंतित थे या जितने इतने ज्यादा परेशान थे, वो मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है और 650 करोड़ से अपर का वो बिजनेस करने वाली है एज अ वर्ल्ड वाइड। बट एक बात तो यहां डन हो गई है, गदर 2 की सक्सेस के बाद से आप सनी देओल को बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज ऑफर हो गई हैं, जिनमें बॉर्डर 2 का नाम भी चल रहा है, रामायण का नाम आप लोग जानते हैं, रामायण में हनुमान जी का किरदार निभाने वाले हैं ये, या फिर बात करें सन ऑफ सरदार 2 की, तो ये तमाम जो पिक्चर्स हैं उन पिक्चरों के अंदर इनकी जबरदस्त एक्टिंग हमें देखने को मिलने वाली है, एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, कुछ में नेगेटिव रोल देखने को मिलने वाला है, हल्का फुल्का कुछ में पॉजिटिवली काम करने वाले। तो ये तमाम चीजें जब हम लोगों के सामने आएगी, सनी देओल की ये पिक्चर सामने आएगी, तो उनसे आइडिया लग सकता है कि किस तरह सनी देओल इस टाइम बॉलीवुड पे काम कर रहे हैं और बॉलीवुड पे छाए हुए हैं। हाल ही में सफर की शूटिंग कर रहे थे आप जानते ही हैं, फिर लाहौर 1947 की शूटिंग में वो व्यस्त चल रहे हैं, फिर रामायण की शूटिंग में लगने वाले हैं, फिर बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट होने वाली है, इधर सन ऑफ सरदार 2 को लेकर भी काम चलने वाला। तो मतलब ये जितनी भी पिक्चरें हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी मूवीज हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकारों उन कलाकारों के साथ है जिनका एक टाइम के अंदर इनकी कट थी, मतलब आपस में इनकी बनती नहीं थी और मतभेद हो गए थे, मनभेद हो गए थे, बट अब फाइनली ये उन्हीं बड़े बड़े कलाकार्स के साथ, ये डायरेक्टर्स की बात करें उनके साथ ही काम कर रहे हैं, और इनका काम जो है वो पब्लिक सराहा रही है, जनता सराहा रही है, और उस काम के लिए हर कोई एक्साइटेड है, हर कोई देख के खुश है कि फाइनली अब बड़े पर्दे पे दोबारा से हमें सनी देओल देखने को मिलने वाले। वैसे दोस्तों सनी देओल की पर्सनैलिटी अब ये हो गई कि एक दौर रहा था
कि जब बॉलीवुड में इन्हें काम नहीं मिल रहा था तो जाहिर सी बात थी इनको कोई अवार्ड या फिर किसी फंक्शन में इनविटेशन भी जल्दी से नहीं मिलता था क्योंकि नॉमिनेशन इनका होता नहीं था, तो फाइनली इनको बुलाया भी नहीं जाता था और ये जाते भी नहीं थे, खुद से भी शिरकत नहीं करते थे। बट अब फाइनली जब से इनकी गदर टू सक्सेसफुल हुई है तब से इनके बहुत सारे फैंस बढ़ गए हैं, सेलिब्रिटीज जो हैं सेलिब्रिटीज भी इनके फैंस हो गए हैं। उन्होंने भी माना है कि गदर टू ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है बॉलीवुड को, दोबारा से एक संजीवनी का काम करके दिखाया है। और साथ ही साथ अब तो आप लोग जानते ही हैं, चाहे वो आईफा हो, चाहे वो फिल्म फेयर हो, चाहे वो इंडियन ऑफ द ईयर एनडीटीवी का हो या CNBC 18 का हो, ये तमाम जो इनको अवार्ड्स हैं वो लगातार मिल रहे हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं कि नई संसद भवन में गदर टू सबसे पहली मूवी चलाई गई थी, दिखाई गई थी, और प्रेसिडेंट हाउस में भी इसे चलाया जाना। तो मतलब ये चीजें जितनी भी हमारे सामने लग के सामने आई हैं सनी देओल से रिलेटेड, ये काफी ज्यादा सनी देओल के लिए भी बहुत बेहतरीन रही है और बहुत बड़े लेवल पर आई है। वैसे दोस्तों एक बात तो ये है कि सनी पाजी इस टाइम बड़े साइलेंटली चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एकदम साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दे रहे कि एक्चुअली के अंदर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस चीज पे वो वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ मीडिया से भी थोड़े से दूर ही बना के रखे हुए इन्होंने, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब सफर की शूटिंग स्टार्ट हुई तो सफर की जो शूटिंग की वीडियो सामने आई थी तो उनसे हर कोई मतलब एक तरीके से अचंभित हो गया था, हर कोई शॉक में आ गया था कि सनी देओल फाइनली ये कर क्या रहे हैं। बट जब पता चला कि तो सफर की शूटिंग में लगे हुए हैं, सफर मूवी पे काम कर रहे हैं जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। अब ऐसा ही एक मूवी और है जिस पर ये काम कर रहे हैं और बहुत ही सीक्रेट तरीके से काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो मूवी कौन सी है वो मूवी तो आप लोगों को बता ही दी जाएगी, वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनेगी। बट यहाँ पे सनी देओल की जो पर्सनैलिटी इस टाइम चल रही है, जो उनके काम करने का तरीका चल रहा है लगातार, वो काफी बेहतरीन चल रहा है और बेहतरीन तरीके से वो इंडस्ट्री में अपनी एक तरीके से कहा जा सकता है कि उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। वैसे मैं यहाँ एक चीज और बता दूं आप लोगों को कि सनी देओल इस टाइम थोड़ी से ना पीक वर्क पे चल रहे हैं, के पीक पे इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि लगातार उनके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। और ये बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के अंदर, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको हैंडल करना सनी देओल के लिए भी अभी थोड़ा सा चैलेंजिंग साबित हो रहा है। जी हाँ, और एक्चुअली में जो ये चैलेंजिंग साबित हो रहा है ये कहीं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री के लिए भी है, क्योंकि बॉलीवुड के अंदर बहुत से ऐसे सितारे हैं जिनकी पिक्चरें नहीं चल पा रही हैं। सलमान खान की आप टाइगर 3 देख सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनकी, बट टाइगर 3 को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जो रिस्पॉन्स एक तरीके से देखा जाए पठान को मिला, जवान को मिला, गदर 2 को मिला, जेलर को मिला या फिर एनिमल को मिला। वो रिस्पॉन्स लेने में वो कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गई और जिसके चलते वो कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज भी हुए अपनी उस मूवी को लेकर। बट यहाँ पे फिर उन्होंने सफर की शूटिंग स्टार्ट करी, सफर में कैमियो दिया अपना कि भाई सफर में हमारे सनी भाजी के साथ एक कैमियो कर रहे हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। और द बुल मूवी है उसको लेकर भी काम चालू हो गया था बट एकदम से वो रुक गई। तो जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जो काफी टाइम से सुपर डुपर हिट मूवीज देते हुए आ रहे हैं, वो कलाकार भी अभी कहीं ना कहीं नीचे ठंडे बस्ते में चले गए हैं। आप बात करें अक्षय कुमार की तो अक्षय कुमार की भी रानीगंज मूवी थी, वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। पर अगर हम बात करें वही अक्षय कुमार की OMG 2 की, तो अगर गदर 2 से क्लैश ना होता तो शायद बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देती है, बहुत अच्छा कलेक्शन एक सामने रखती जनता के बॉलीवुड के। बट कहीं ना कहीं गदर 2 से क्लैश के चक्कर में इसको भारी नुकसान उठाना पड़ गया था। और आप लोग जानते हैं सन्नी पाजी ने अक्षय कुमार से रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप अपनी मूवी की रिलीजिंग डेट को आगे बढ़ा दीजिए, बट वो कहते हैं एक एक कलाकार जब होता है वो पीक पे होता है तो वो ये सोचता है कि वो पीक पे ही रहेगा, उसका करियर पीक पे ही रहेगा, उसकी मूवी सुपर डुपर हिट ही रहेगी और जो डाउन चल रहा है वो डाउन ही रहेगा। बट ऐसा नहीं होता, सनी देओल के केस में यहाँ पे एकदम चीजें चेंज हो गई, चीजें बदल गई, जो जमीन पे था वो आसमान पे आ गया और जो आसमान पे था वो कहीं ना कहीं जमीन पे आ गया, ये हमें देखने को मिला है। अब देखने वाली बात ये है कि जो आसमान पे सनी देओल पहुंचे हैं ये वहां पर बने रहते हैं या नहीं रहते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, लगातार हमारे सनी पाजी को अवार्ड तो मिल ही रहे हैं और जो अभी हाल ही में अवार्ड मिला है उसको लेकर भी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नया आया तो बहुत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात देखते रहिए, वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। नमस्कार।